हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आर्या, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने YouTube वीडियो में थंबनेल कैसे लगाएंगे, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और पूरा बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में थंबनेल कैसे बनाएंगे और कैसे एडिट करेंगे और कैसे उसमें लगाएंगे। पूरी डिटेल दूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपना डाउनलोड करना होगा पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट अपना प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। पिक्सआर्ट जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आपका आइकन आपके फ़ोन में खुल जाएगा। इस तरीके का कुछ आइकन आ जाएगा दोस्तों। ये खुलने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे प्लस में, नीचे आएंगे प्लस में। प्लस में आने के बाद आप जाएंगे एडिट फोटो में। देखिए, मैंने कुछ फोटो पिक्स ले रखी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको बनाएंगे। जैसे कि हम लेते हैं गैलरी में चला गया हमारा सीधा ही। गैलरी में जाने के बाद हमने यहाँ से पिक्स ले लिए, यहाँ से हमने एक पिक्स ले लिए। आगे हम हमारे उसके बाद आपको आना होगा कटआउट में। नीचे ऑप्शन आ रहा है कटआउट का। इसके बाद जैसे ही आप कटआउट में जाएंगे, कटआउट क्लिक करके यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, आउटलाइन और सिलेक्ट। हमको अपने सिलेक्ट में जाना है, तो सिलेक्ट में जाने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा ऑप्शन। तो हमें यहाँ से फोटो की इस तरीके की कटिंग कर देनी है। इस तरीके की कटिंग कर देनी, आउटलाइन बनानी है ताकि हमारी फोटो जो उसका बैकग्राउंड है वो हट जाए। इसके बाद हम ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जाएंगे आप नेक्स्ट में। कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पे। आप जो आपसे पीछे जो गलती हुई है उसमें आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रिस्टोर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है ना, यहाँ पे ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे आएगा, ये क्लियर करना है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं। जब आपको बनाना होगा तो आप आराम से बना सकते हैं, मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके की आ जाएगी। देखिए, प्रॉपर हुआ नहीं है, देखो मतलब प्रॉपर ये यहाँ से कटिंग और करनी है, तो इसके लिए हमें टाइम लग जाएगा। मैंने आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ से आप सेव कर देंगे इसको। ये आपका गैलरी में सेव हो चुका है, गैलरी में सेव हो चुका है। इस तरीके का आप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बैक जाइए। अब दो एक फ़ोटो दो फोटो आपको जितनी फ़ोटो जितनी पिक्स यहाँ पे उसमें लगानी है तो आप उनको इस तरीके की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेव ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप पूरा बैक आ जाइए। उसके बाद आपको एक ऐप्स की और ज़रूरत पड़ेगी डाउनलोड करने की। उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है, दो थंबनेल बनाने के लिए हमें दो ऐप्स का यूज करना होगा, तो होता है पिक आर्ट कटिंग के लिए होती है, और एक पिक्सल लैब।
पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप पिक कार्ड का काम कटिंग का हो चुका है, उसके बाद आप पिक्सल लैब में ओपन कर देंगे। कुछ इस तरीके का आ जाएगा आपका आइकन। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना होगा, ऊपर शायद में बिंदु दिख रहे हैं आपको। उसके बाद चूज करना होगा इमेज साइज, बहुत सारी साइज होते हैं दोस्तों इसमें। आपको प्रोफाइल पिक बनानी है, यूट्यूब चैनल बैनर बनाना है या यूट्यूब थंबनेल बनाना है। हम अभी बना रहे हैं यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब हमारे यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का साइज आ गया है, इसको हम नीचे कर देंगे अभी। फिर उसके बाद हमें ऑप्शन में जाना है यहाँ प्लस में, प्लस दिख रहा है आपको। प्लस में जाने के बाद यहाँ पे हम फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, सीधा हम अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। जो हमने पिक्स आर्ट से यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर एडिटिंग की थी, अभी जो हमने वहाँ पे पिक्स आर्ट से पिक्चर एडिटिंग की थी वो पिक्चर यहाँ पे है। यहाँ से हम उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगी हमारी। कुछ इस तरीके का आइकन आएगा आपके यहाँ पे। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हो उसको, छोटा भी कर सकते हो, यहाँ से नीचे कटिंग भी कर सकते हो जिस साइज़ आपको चाहिए। मुझे इस साइज़ का चाहिए तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया नीचे। अब यहाँ पे ओके करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे इस तरीके का बन जाएगा। अब ये आपको आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अब हमें इसको साइज़ छोटा करना है तो हम यहाँ पे साइज़ छोटा करेंगे ताकि हमें और भी इमेज हमें लगानी होगी, तो हम इसको ऐसे ले आएंगे यहाँ पे। ये हमारे फ़ोटो एक आ गई यहाँ पे। इस तरीके से हम इसमें बहुत सारी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितनी आपको बनानी हो। सेम ऑप्शन होगा, प्लस में जाएंगे और यहाँ से गैलरी में जाएंगे। गैलरी से आपकी बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये ले लिया दोबारा दूसरी फ़ोटो ले लिया मैंने, इसको भी ओके कर दिया है। तो ये मेरी सेम मैंने दो फ़ोटो यहाँ पे लगा दिए। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर करने हो नीचे करने हो तो इस तरीके का एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन आते हैं, हमको कुछ इसमें टाइपिंग करनी है, अपने बैनर का नाम देना है, अपने वीडियो का नाम देना है, हमने कैसे नाम देंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ आएगा, आएंगे आप जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट का हमारे यहाँ पे बैनर बना हुआ आ गया न्यू टेक्स्ट, इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ गए हमारे बैनर में, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको लिखना हो। जैसे कि मैं टाइप करूँगा आर्या मोबाइल गुरु, ये मेरा चैनल का नाम है, ये आ गया। आप यहाँ पे आए, यहाँ से आपने ओके किया, आपका यहाँ पे ये आ रहा है मोबाइल गुरु जैसे लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद ऑप्शन आता है हम इसको किस तरह का सजाएंगे, इसको कलर देने, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, इसको एडिटिंग करनी है, कैसे करेंगे हम। अब आप नीचे आइए यहाँ पे, सबसे पहले इसका साइज़ आप साइज सेट कीजिए, साइज में जाइए। अब यहाँ पे 57 मैंने साइज़ चूज़ कर लिया, ओके साइज़ ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट आएंगे कलर में। कलर में आने के बाद दोस्तों कोई भी हम यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए, मैंने रेड कर दिया। अब आपको रेड करना है, ब्लैक करना है, जो आपको मैचेबल लगे। रेड ठीक है, तो वाइट ठीक है, तो हमें यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम आगे आएंगे तो हमें यहाँ से चूज़ करना है टैक्स, आपको टैक्स किस स्टाइल की चाहिए। मैंने यहाँ से चूज़ किया, यहाँ से मैंने ये ले लिया, कोई भी स्टाइल कर लिया, यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ पे मेरा इस तरीके का आ गया। नेक्स्ट दूसरा स्टाइल भी आता है यहाँ पे,
हमको थोड़ा सा डाउन में चाहिए तो हमने डाउन की दिए, थोड़ा स्टाइल चेंज हो गई। ओके, अब हमें थोड़ा सा को और सजाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता हमारा बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड ओपन हो गया। उसके बाद हम इसको इनेबल करेंगे। अब हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड में आ गया कलर, कलर चूज़ कर सकते हैं अपनों, कोई भी कलर लगा सकते हैं। हमने चूज़ किया रेड, यहाँ पे हो गया रेड। नीचे आएंगे, हमको साइड कलर साइज थोड़ा बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इतना मैंने कर दिया, इसको आगे तक बढ़ा दिया। ओके, और आगे आएंगे, हमें थोड़ा सेटिंग इसमें और करनी है ताकि थोड़ा स्मार्ट लगे, लोग जो भी हमारे थंबनेल को देखे इंप्रेस हुए, तो हम यहाँ पे इसमें वाइट मारेंगे। इसको भी यहाँ से इनेबल करेंगे, इनेबल पर करने के बाद हमें यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर भी हम देख सकते हैं, ये हमने चूज़ किया, ये डाल दिया। थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम इसको कम छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, इसका कितना हम बैकग्राउंड बढ़ा सकें, ये देखिए मैंने इसको 36 कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और भी कर सकते हैं हम इसमें, बट उसमें टाइम लगता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे बनेगा। अब हम इसको कैसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ एडजस्ट करना चाहें, हम अपने पिक्चर्स नीचे लेना चाहें, या इसको बीच में करना चाहें, या हम इसको पिक्चर्स को ऐसे इधर लाना चाहें, वो हम आप सब एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स का और टाइटल का सब मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, आप 1, 2, 3, 4 कितने भी टाइटल्स इसमें लिख दे सकते हैं, सेम ऑप्शन है। यहाँ से एडिट में जाके स्टाइल आइए, एडिट में आने के बाद आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, पिक्स ले सकते हैं। तो ये टोटली ये आपका मैंने आपको बता दिया है कि आप ये थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देंगे। सेव टू गैलरी आपने किया तो ये थंबनेल आपका गैलरी में सेव हो चुका है। गैलरी से आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा हमारा लगा आपको वीडियो में? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।